तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था उस वाले वीडियो में कि हमने जो ये बनाया था, तो हेलो दोस्तों, हमने बनाया था पर किसी के कारण ये थोड़ा लीक हो रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पर लीक हो रहा है। आपको सुना सकता हूँ मैं, थोड़ा लीक हो रहा है। तो क्या करेंगे, मैं एक एमसील लाया हूँ, इस पे हम लोग एमसील लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके टेप के इसका टेप उतार देता हूँ, जितना भी टेप हमने इस्तेमाल किया था। आप फेंकिएगा मत टेप को, क्योंकि आप दोबारा इस टेप को उसी जगह लगा सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। तब देखिए, अब हमारा ये मिल गया हमें, तो इसे मैं खोल दूंगा। तो आपको कोई भी पेपर लेना है, उसे क्लीन कर देना अच्छे से। फिर एमसील लेना, फिर एमसील को ये दो आपको मिल जाएंगे। फिर इन दो को लेना है, ऐसा आपको पेस्ट मिलेगा। फिर इसे भी निकाल देना है आपको। अरे भाई निकल, ये बेसिकली हार्डनर होता है, ये रियल एडहेसिव होता है ये वाला जो है। और ये क्या होता है, हार्डनर, ये बेसिकली हार्ड करता है, उसे चिपकाता है अच्छे से। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो पूरा सील वाला है, देखिए ये मिल गया मेरे को। और मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे जितना चाहिए उतना तोड़ूंगा, रख दूंगा। इसमें से भी जितना चाहिए उतना तोड़ूंगा। देखिए सेम क्वांटिटी का रखना है, अगर सेम का नहीं हुआ तब मुश्किल हो सकता है। तो वापस उनके पैकेट्स में से रैप कर देना इन्हें, दोबारा इनके पैकेट्स में रैप कर देना। अब इन दोनों को लेना है और मिक्स करना है। देख, अच्छे से मिक्स करना है तभी अच्छे से चिपकेगा। क्ले की तरह होता है बिल्कुल। आज इसे यूज करेंगे, और तब तक आपको मिक्स करते रहने से, आपको तब तक मिक्स करना जब तक एक कांस्टेंट कलर नहीं ले लेता। कांस्टेंट कलर मतलब एक सिमिलर कलर पूरे ऑल ओवर क्ले का, क्ले का पूरा सिमिलर एक कलर आ जाना चाहिए। वो कलर हो सकता है, सबसे पहला एक तो ब्लैक, सबसे ज्यादा ब्लैक होता है, या दूसरा ग्रीन भी हो सकता है। अब आपके एमसील पे डिपेंड करता है आप कैसा एमसील यूज कर रहे हैं। देखिए पूरा क्ले की तरह मैंने इसे कर ही लिया। देखिए आपके हाथ पे चिपकना नहीं चाहिए, फिर हाथ से जल्दी जाता नहीं। एक बार अगर चिपक जाता है तो हाथ से जल्दी जाता नहीं। तो देखिए इतना काफी रहेगा। एक देखिए कांस्टेंट कलर आने लगा इसमें, एक देखिए कांस्टेंट कलर आप देख सकते हैं, एक कांस्टेंट कलर आ गया। तो इतना काफी, इतना कांस्टेंट कलर। तो
तब देखिए, अब मैं इसे बैरल के अंदर डाल दूंगा। देखिए, जब भी चिपकाते तो थोड़ा ना क्लीन कर लिया कीजिए, इससे क्या होगा, अच्छा चिपकता है। देखिए, मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, दोनों को क्लीन कर दूंगा, जिससे ये क्या होगा, अच्छे से चिपक जाएगा। अब इस बैरल को लेना, ऐसे मोड़ देना, इस बैरल को लेना है, ऐसे दबाना है और ऐसे मोड़ना है। देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने इसे लगा दिया है, अब देख सकते हैं, इस बैरल के अंदर डाल दिया मैंने। अब मैं एमसील लूंगा, इसे थोड़ा बिग कर लेकर, अब आपको क्या करना है, इस पे लगाना है। पहले थोड़ा सा एमसील लें और यहाँ पर लगाएं। कुछ आपको ऐसे ही लगाना है। देखिए, मेन इसका फंडा ये, आपको इसे क्ले की तरह चिपकाना है। थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये सबसे मुश्किल पार्ट है इसका, सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो यही होता है। देखिए, एक भी गैप नहीं छोड़ना आपको, एकदम क्ले को इसे क्ले की तरह हैंडल करके पूरा, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप मेरी तरह कीजिएगा। देखिए, एंडिंग में आपको थोड़ा ऐसे करना है, इसे पकड़ के ऐसे, इसे पकड़ के ऐसे ऐसे ऐसे, इसे क्या होता है, जो सारे जो आपका गैप्स हो है वो फिर नहीं रहेगा, आपके सब जो गैप्स रह जाते हैं। देखिए, हो गया यहाँ पर मेरा। अब आपको इसे कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ ये किसी भी कांटेक्ट में ना आए, एकदम अच्छे से रहे। और जो बचा हुआ था उसे आपको फेंकना नहीं है, ये जान लीजिए, आपको इसे फेंकना नहीं, इसे आपको ऐसे रैप करना है और इसे भी कहीं स्टोर कर देना, बाद के आपके प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आएगा। देखिए, मैं ऐसे रैप करके इसे रख दूंगा, थोड़ा सा टेप लूंगा और ऐसे लगा दूंगा। तो आपका पूरा ये तैयार हो गया, एक एम सील से पूरा सील हो गया। अब चलिए इसे रख देते कहीं। इसे मैं कहीं ऐसी जगह रख देता हूँ जिससे खराब। तो मैंने इसे रख दिया, अब देखते बाद में, अब इसका देखेंगे हम उसका वर्किंग पार्ट।